किसी भी बॉलीवुड स्टार की पॉपुलैरिटी की असली पहचान तब होती है जब वो घर घर में मशहूर हो जाता है। बॉलीवुड में ऐसे कई सितारे हैं जिन्होंने दौलत और शोहरत के मामले में दुनिया भर की मशहूर हस्तियों को पीछे छोड़ दिया है। घर घर में वो पहचाने जाते हैं, बच्चे बच्चे की जुबां पर उनके नाम होते हैं। फैंस अपने चाहते सितारों के प्रति दीवानगी दिखाने के लिए क्या क्या करते हैं, ये तो हम कई बार देख चुके हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे उन सितारों की जिन्हें उनके चाहने वालों ने दे दिया है सबसे बड़ा सम्मान। किसी खास जगह, सड़क, रेस्टोरेंट या फिर चांद के टुकड़े पर लिख दिया गया है बॉलीवुड सितारे का नाम। चलिए देखते हैं कौन कौन है लकी स्टार्स। अमिताभ बच्चन। बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन की पॉपुलैरिटी से भला कौन वाकिफ नहीं होगा। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन भारतीय सिनेमा के सबसे अमीर और चर्चित सितारों में से एक हैं, जो दुनिया भर में जाने और पहचाने जाते हैं। उत्तरी सिक्किम में लाचुंग से करीब 14 किलोमीटर दूर एक विशाल झरना है जिसका नाम वहां के स्थानीय लोगों ने अमिताभ बच्चन के नाम पर रखा। इस झरने का असल नाम पहले भीमा फॉल्स हुआ करता था, लेकिन अब ये झरना बच्चन फॉल्स के नाम से दुनिया भर में मशहूर है। इतना ही नहीं, साल 2004 में सिंगापुर सरकार ने बिग बी को विशेष सम्मान दिया जब ऑर्किड फूल की एक विशेष प्रजाति का नाम उनके नाम पर रखा गया था और इस फूल को डेंड्रोबियम अमिताभ बच्चन कहा जाता है। आपको बता दें कि ऑर्किड सिंगापुर का राष्ट्रीय फूल है। शाहरुख खान। बॉलीवुड के बेताज बादशाह कहलाते हैं शाहरुख खान। दुनिया भर में उनके करोड़ों चाहने वाले हैं जो उन्हें बेहद प्यार और सम्मान देते हैं। न्यूयॉर्क शाहरुख का पसंदीदा शहर है, तो इसी शहर में स्थित एक इंस्टीट्यूशनल यूनियन जियोग्राफिकल सोसाइटी ने चांद पर मौजूद एक लोनार्ड क्रेटर का नाम शाहरुख खान के नाम पर रख दिया था। ऐश्वर्या राय। पॉपुलैरिटी के मामले में तो बच्चन बहू ऐश्वर्या राय भी कुछ कम नहीं है। पूर्व विश्व सुंदरी ऐश्वर्या की खूबसूरती बेमिसाल है। ऐश्वर्या की इसी खूबसूरती को सम्मान देने के लिए हॉलैंड में ट्यूलिप फूलों की एक विशेष प्रजाति का नाम ऐश्वर्या के नाम पर रखा गया है। लाल और पीले रंग वाले ये ट्यूलिप बेहद खूबसूरत है, बिल्कुल ऐश्वर्या की ही तरह। सलमान खान। लजीज खाने के बेहद शौकीन सलमान खान जहां जाते हैं अपनी छाप जरूर छोड़ते हैं। साल 2012 में दू सलमान तुर्की के मार्डिन में अपनी फिल्म एकता टाइगर की शूटिंग कर रहे थे, तब वह अक्सर एक कैफे में जाते थे। कैफे के मालिक ने सलमान से इंप्रेस होकर बाद में अपने कैफे का नाम कैफे जलमार से बदलकर सलमान खान कैफे रख लिया। यही नहीं, मुंबई में भी एक कैफे है जिसका नाम भाईजान है। राज कपूर। बॉलीवुड के शोमैन राज कपूर ने भारतीय सिनेमा की चमक दुनिया भर में बिखेरी थी। यही वजह है कि राज कपूर के प्रति सम्मान दिखाने के लिए कनाडा की ब्रैम्पटन सिटी में एक स्ट्रीट का नाम राज कपूर क्रेसेंट रखा गया है। एआर रहमान। ऑस्कर अवार्ड्स और ग्रैमी अवार्ड्स विजेता म्यूजिक कंपोजर एआर रहमान के संगीत के धुनों की ताकत को दुनिया भर ने सलाम किया है। भारत में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित एआर रहमान को कनाडा सरकार ने भी बेहद खास तरीके से सम्मानित किया था। कनाडा के ओंटारियो में एक स्ट्रीट का नाम है, अलहा रखा रहमान स्ट्रीट है। मनोज कुमार। सिनेमा की दुनिया में भरत कुमार के नाम से मशहूर मनोज कुमार ने कई यादगार फिल्में बनाई हैं। इन्हीं फिल्मों में से एक थी श्रीडी के साईं बाबा। इस फिल्म ने श्रीडी के प्रति लोगों की आस्था और श्रद्धा को बढ़ाया था, और यही वजह है कि मनोज कुमार के प्रति आभार और सम्मान दिखाने के लिए श्रीडी मंदिर तक जाने वाली मुख्य सड़क का नाम मनोज कुमार गोस्वामी रोड रख दिया है। यश चोपड़ा। भारत में अगर किसी शख्स ने स्विट्जरलैंड को बेहद पॉपुलर किया तो वो है यश चोपड़ा। यश चोपड़ा स्विट्जरलैंड की खूबसूरती के कायल थे। अपनी कई फिल्मों में उन्होंने स्विट्जरलैंड को धरती की जन्नत की तरह दिखाया। यही वजह है कि स्विस सरकार ने भी यश चोपड़ा के प्रति
सम्मान दिखाने के लिए एक झील का नाम उनके नाम पर रखा। अब ये झील यश चोपड़ा लेक कहलाती है। इतना ही नहीं बल्कि एक प्रतिमा, एक विशेष ट्रेन और एक डीलक्स स्वीट का नाम भी स्विट्जरलैंड में यश चोपड़ा के नाम पर रखे गए हैं। शाहिद कपूर। बॉलीवुड के कबीर सिंह यानी शाहिद कपूर भी पॉपुलैरिटी के मामले में किसी से कम नहीं। शाहिद का नाम तो सितारों तक पहुंच चुका है। उनके नाम पर ओरियन तारा मंडल में एक तारा है। माधुरी दीक्षित। बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित की खूबसूरती की मिसाल भले ही पूनम के चांद से दी जाती है, लेकिन फैंस ने उन्हें सम्मान दिया है एक तारे का नाम उनके नाम से रखकर। शाहिद की ही तरह माधुरी के नाम पर भी ओरियन तारा मंडल में एक तारा है। ब्यूरो रिपोर्ट E24। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें, चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बी टाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कंट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।